हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे, और उस बिजी टाइम मेरी वीडियोस के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। और वीडियो पसंद आ जाएगी तो आप वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छा लगता है कि लोग मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, तो और भी दिल करता है कि वीडियोज और भी अच्छे अच्छे बनाऊँ। सो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन भी दिया रहता है, तो अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोग पास में सबसे पहले पहुंचेगा। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे लोगों को गले के पास में ये यहाँ पे ना जो गर्दन होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, साइड पे, इस साइड पे ब्लैक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आते हैं आपके फेस के स्किन टोन से, बॉडी के स्किन टोन से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, तो मैं उसके लिए आज एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से है, घर में ही ये हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, बहुत ईजी वे में हम करेंगे। और इस पैक को आपको एवरीडे लगाना है, एवरीडे लगाकर इसे 10 से 15 मिनट रखेंगे इसको, फिर उसके बाद हम शावर ले लेना है। ये पैक लगाने के बाद, अपने गर्दन पे अप्लाई करने के बाद, जब लग जाएगा उसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब सूख जाएगा तो अच्छे से हाथों की हेल्प से इसे ना अच्छे से रफ कर लेंगे और फिर हम नहा लेंगे। जिसे अगर एवरीडे करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा और नेक के जो ब्लैकनेस की जो प्रॉब्लम है वो ब्लैकनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इवन जहां आप हो, ये एल्बो के पास में भी किसी किसी का होता है ब्लैकनेस, बहुत ये ज्यादा ब्लैक हो जाता है यहाँ पे, और पैर के साइड पे भी ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप जो मैं ये पैक बताऊंगी, अगर हैंड पे भी यूज करते हो और पैरों में भी यूज करते हो, तो इससे आपकी जो ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप लोगों को मैं ये बोलूंगी कि ये जो मैं बता रही हूँ होम रेमेडी, इसे आप 1 महीने तक लगातार करें, इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगा और जो ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं एक और बताने जा रही हूँ कि जो ये होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, इससे अगर आप अपने फेस पे भी अप्लाई करते हो ना, आपकी फेस टाइट होगी, टाइटनिंग हो जाएगी, और प्लस इवन आपकी जो डार्क स्पॉट वगैरह होता है और आपको ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है, वो पैक लगा कर अपने चेहरे पे उससे मसाज करते हो, मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट तक इसे छोड़ देते हो, फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेते हो ना, इससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। आपके जो फेस पे टैनिंग है ना, वो टैनिंग रिमूव कर देगा बहुत ही अच्छे से, और आपके जो स्किन है उससे मसाज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत टाइट दिखने लगेगा। तो चलिए देख लीजिए कि वो चीज है क्या, देने कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, वो सब मैं लगाकर बताती हूँ। ओके, तो चलो देख लेते हैं। सो गाइज, ये सिर्फ दो चीजों से बनता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होगा दही, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दही ले लिया है। सिर्फ मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे गले पे आप लोग देख सकते हो कहीं पे ब्लैक स्पॉट नहीं है, तो मैं अपने फेस पे अपने स्किन को टाइट करूंगी, ठीक है। देन इसमें लगेगा 1/2 नींबू का रस, 1 चम्मच, तो मैं 1 चम्मच नींबू का रस निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 चम्मच नींबू का रस, और ये गया दही के अंदर। अब इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सिर्फ ये दो चीजों से ही आपके जो ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं अपने स्किन को टाइट बनाना है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच इतना, इसको मैं अपने चेहरे पे ऐसे हल्के हाथों से रब करूंगी, लाइक दिस। इसको हमें मसाज करना है, ठीक है, अच्छे से मसाज करना है। जेंटली मसाज करेंगे अपने फेस पे, लाइक दिस, ऐसे हम मसाज करेंगे, इससे हमारे स्किन टाइट होता है।
आप इसे नेक साइड पे भी मसाज कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसे अभी मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसे हल्के हाथों से मसाज करके इसे ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। और आप अगर जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे ये ब्लैक हो जाते हैं, तो करना क्या है, इसको यहाँ पे ऐसे रेकर हम इसे मसाज करेंगे। ऐसे अगर हम इसे मसाज करते हैं ना, जो भी ब्लैकनेस की यहाँ की प्रॉब्लम है ना एल्बो के पास की, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और ठीक वैसे ही नेक एरिया पे, नेक साइड पे करना है। और ठीक आपको नेक साइड पे भी ऐसे ही सेम करना है। आप इसे चाहो तो अपने फुल हैंड पे भी लगा सकते हो। एक्चुअली जो आपकी बॉडी टैन हो गया है, वो टैनिंग भी रिमूव कर देगा। और आप अपने नेक साइड पे भी अच्छे से अप्लाई कर ले, इससे आपकी नेक एरिया की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाल ओपन है इस वजह से, और इवन है भी नहीं मेरा डार्क स्पॉट, तो पूरे हैंड पे अप्लाई कर लेती हूँ, जो भी टैनिंग होगा मेरा रिमूव हो जाएगा। इससे आपका फेस, इससे इससे अगर आप अपने इसे फुल बॉडी पे भी लगाते हो ना ना, तो आपका टैनिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपके स्किन का, साथ ही साथ आपके फेस का कलर और स्किन का कलर डिफरेंट होता है। तो अगर आप इसे यूज करते हो ना, तो इससे क्या होगा, आपका फेस का कलर और आपके बॉडी का कलर इक्वल हो जाएगा, सेम टू सेम दिखने लगेगा अगर हमेशा इसे करते हो तो। इवन जब हम तो एवरीडे तो नहाते ही है ना, तो एवरीडे नहाते हैं तो क्यों ना हम कुछ घर में होम रेमेडी से कुछ अपने आप को निखार ले। ऐसे अपने आप को निखारेंगे तो खुद को ही अच्छा लगता है। अगर कुछ भी हम ब्यूटिफिकेशन, हम लड़कियां अगर कुछ भी ब्यूटिफिकेशन करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फील होने लगता है, ऐसा लगता है कुछ डिफरेंट किए हैं। तो क्यों ना एवरीडे तो हम नहाते ही हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर ले। तो चलिए, तो चलो फिर मैं इसे वॉश करके मिलती हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है, और आप लोग दिस सी माई हैंड है ना, कितना सॉफ्ट हो गया है। इवन आपका टैनिंग है ना हैंड पे, तो धीरे धीरे ना टैनिंग भी रिमूव होने लगता है। अब मैं चेहरे को पानी से पोंछ लेती हूँ। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। अगर इसे आप वीक में 3 डेज अपने फेस पे इसे इससे मसाज करते हो ना, तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। स्किन को टाइट टाइट बनाने में बहुत ये नींबू और दही बहुत हेल्प करता है, क्योंकि नींबू नींबू जो है आपके टैन को रिमूव करता है, और दही से अगर हम मसाज करते हो तो हमारा स्किन टाइट बनता है, जिससे कि हम रिंकल्स रिंकल्स की बेसिकली रिंकल्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और इवन नींबू और दही हम मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर, अगर आपके गले पे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं उधर भी मसाज करते हो ना, तो आपके गले के नेक एरिया की ब्लैकनेस दूर हो जाएगी। इवन एल्बो की भी ब्लैकनेस दूर हो जाएगी, और पैर में भी अगर ब्लैकनेस है, अगर इससे आप मसाज करते हो, इससे भी ब्लैकनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आप इस बेसिकली आप इससे फुल बॉडी में मसाज करते हो ना, तो फुल बॉडी आपकी मतलब व्हाइटनिंग होगी, टाइटनिंग होगी, ब्राइटनिंग होगी, और सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन। और आपकी स्किन को एक बार कोई टच करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसे बार बार ही टच करे, इतना अच्छा फील होता है। आपको खुद को फील होने लगता है अच्छा, जैसे कि अभी मुझे फील हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आप इसे फेस पे सिर्फ लगाना चाह रहे हो तो वीक में 3 डेज कर ले, और अगर आप फुल बॉडी पे लगाना चाह रहे हो तो इसे आप एवरीडे लगा सकते हो, इसे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के जस्ट बाजू में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। गाइज मेरे सब्सक्राइबर तो 15,000 हो गए हैं, बट व्यूज नहीं आते, क्योंकि आप लोग को मेरी वीडियोज आप लोगों के पास में नहीं पहुंचती, कि जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इसलिए। तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।